हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्ट्रीम यू थिंक विद बेबू। तो आज मैं मैक्रोनी या पास्ता बनाने जा रही हूँ। तो इसके लिए जो इंग्रेडिएंट चाहिए उसकी लिस्ट आपकी स्क्रीन पे है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने लगभग 3-4 ग्लास पानी ले लिया है और इसको हमें बॉयल करना है। यहाँ पे मैं 1 टीस्पून नमक डाल दे रही हूँ। आप क्या करिए, इसमें ऑयल भी डाल दीजिए 1 टीस्पून या टेबलस्पून, और इसको बॉयल होने देंगे। तो ऑयल डालने से क्या होता है, आपस में मैक्रोनी या पास्ता जो भी होता है वो चिपकता नहीं है। अब मेरे पास यहाँ मैक्रोनी थी तो मैंने ये डाल दिया। आपके पास किसी भी तरीके का पास्ता आप बना सकते हो, उसको 2 बाउल डालना है। तो यहाँ पे मैंने 2 बाउल डाल दिया। अब इसको क्या करना है, लगातार चलाते हुए आपको इसको उबालना है। अगर आप लगातार नहीं चलाएंगे ना, तो ये जो भी बर्तन आप जिसमें उबाल रहे हैं ये इसके तले में जो है चिपकना शुरू कर देगा। तो आपको इस तरीके से लगातार चलाते हुए इसको पकाना है। अब रही बात कि ये पता कैसे चलेगा कि ये कुक हो गया है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक नाइफ लेना है और उससे इसको कट करके देखना। अगर ये इजीली कट हो जाता है तो इसका मतलब ये अच्छे से पक गया है। इसको निकालिए इसके सारा पानी और ठंडे पानी से इसको धो लीजिए। 1 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे, इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम गैस पे कढ़ाई रख देंगे, कढ़ाई को गर्म होने देंगे। 2 टीस्पून इसमें हम ऑयल डाल देंगे, कोई भी ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या करना, 1 बड़ा चम्मच भर के बटर डाल देना। बटर से क्या होता है, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसको मेल्ट होने देंगे। मेल्ट होने के बाद इसमें हम क्या करेंगे, 5-6 कली लहसुन की बारीक काट करके डाल देंगे। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, या कोई भी इंग्रेडिएंट आप नहीं यूज़ करना चाहते हैं वो ना डालिए। यहाँ पे मैंने 1/2 इंच अदरक ग्रेट करके ले लिया है, इसको भी मैं यहाँ पे डाल दूँगी। ये है ग्रीन चिली, 1 या 2, आप जितना तीखा खाते हैं उतना डालिए, या नहीं खाते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। अब इसको लगभग 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पर भूंजना है, क्योंकि ये ज़्यादा हाई फ्लेम पर वो करेंगे भूंजेंगे तो ये जल भी सकता है। तो यहाँ पर लो फ्लेम पर हम इसको इस तरीके से चलाते हुए थोड़ी देर के लिए भूंज लेंगे। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, बारीक कटा हुआ प्याज लेना है। लगभग 2 प्याज आप ले सकते हो, 3 ले सकते हो। अगर मीडियम साइज़ के हैं तो 2 ही लेंगे, और जो है अगर आपके बड़े साइज़ के हैं तो 2 ले लीजिए, लेकिन अगर थोड़े छोटे साइज़ के हैं तो 4 ले लीजिए, क्योंकि अच्छा लगता है अनियन का टेस्ट। इसको 3-4 मिनट तक आपको मीडियम फ्लेम पर ऐसे ही भूनना है कि आपका जो प्याज है वो सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे देखिए प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसमें 2 टमाटर, आपके पास बड़े साइज़ के 2 टमाटर हों तो वो कट करके डाल देंगे आप, लगभग 1 कटोरी भर के। और ये जो टमाटर है ये आप डालिए ज़रूर पास्ता में। एक बार आप प्याज स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर टमाटर डालते हैं तो इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब इसको हमें गला लेना है एकदम अच्छे से। अब यहाँ पे टमाटर डाल दिया, तो इसको अगर गलाना है तो इसके लिए सबसे आसान तरीका होता है कि इसके साथ नमक डाल दीजिए। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच भर के नमक डाल दिया है, और यहाँ पे कश्मीरी मिर्च जो कि अच्छा कलर देगी पास्ता में, वो भी मैंने 1 टेबल स्पून भर के डाल दिया है। आप टीस्पून से भी भर के डाल सकते हैं, टेबलस्पून से तीखा नहीं होता, और अगर नहीं डालना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से पक रहा है, और इसको अच्छे से पका लेना है आपको। अगर थोड़ा सा लगे कि जल रहा है तो आप थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ 1/4 कप पानी भी ऐड कर दिया। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे क्या होता है ना, टमाटर को गलाना है हमें, ज़रूरी है कि ये गल जाए अच्छे से, थोड़ा लगे ना, इस वजह से पानी थोड़ा सा मैंने डाल दिया। अब इसे ढक्कन बंद करके लगभग 4-5 मिनट लो फ्लेम पे हम कुक कर लेंगे। यहाँ 5 मिनट हो गए हैं, और देखिए टमाटर अच्छे से गल चुका है, और इसको अच्छे से थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। और 2 मिनट तक ऐसे ही हम इसे खुली ही लिड के बिना ही इसको ऐसे पकाएंगे 2 मिनट तक। यहाँ पे देखिए कितने अच्छे से पास्ता की जो ग्रेवी है वो तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पे हमें क्या डालना है, वेजिटेबल्स जो भी डालनी है, जैसे मैंने यहाँ पे 1 शिमला मिर्च कट की थी वो मैंने ले लिया है। लगभग 1 गाजर 1 कटोरी मैंने डाल दिया है, छोटा गाजर आप ले सकते हैं, 1 शिमला मिर्च और 1 छोटा गाजर। अब इसको अच्छे से आपको 1 मिनट पकाना है। अब ये इसको जो है ना, ये हमें पूरा गलाना नहीं है, क्योंकि जो थोड़ा सा वेजिटेबल्स का क्रंची सा टेस्ट आता है ना, वही बहुत अच्छा लगता है। इसको ज़्यादा गलाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको थोड़ा सा ढक्कन बंद करके बस 2 मिनट के लिए इसको कुक करेंगे। यहाँ पे 2 मिनट हो गए हैं, इसको खोलते हैं। देखिए ये कितने अच्छे से पक गई है सब्जियाँ, जितनी चाहिए कुक उतनी हो चुकी है। यहाँ पे आपको क्या करना है, अब यहाँ पे इसको अच्छे से हमने पूरा मिक्स कर लेना है वेजिटेबल्स को अच्छे से। अब यहाँ पे हम कुछ सॉसेस ऐड करेंगे, जैसे यहाँ मैं 2 टेबल स्पून टमाटर सॉस ऐड कर रही हूँ। अब इसके बाद क्या करेंगे, 2 टेबल स्पून हम चिली सॉस डालेंगे।
रेड चिली सॉस है या ग्रीन चिली सॉस है, आपके पास जो भी अवेलेबल है आप वो डाल सकते हैं। अगर आपके पास सेजवान सॉस है तो वो ज़रूर डालिए, हाफ टेबल स्पून। इससे क्या होगा ना, टेस्ट अच्छा आता है, थोड़ा सा और ज़्यादा इन्हेंस करता है टेस्ट। अगर नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, हर किसी के किचन में अवेलेबल नहीं होता है सॉसेस। ज़्यादातर लोग सब चिली सॉस, टोमेटो सॉस, सोया सॉस यही सब रखते हैं, तो अगर नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई इन्ग्रीडियंट आपके पास नहीं है तो आप उसको डालें ही डालें। तो यहाँ पे अभी क्या करना है, जो हमने बॉयल्ड पास्ता रखा था इसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे। आपके पास मैक्रोनी पास्ता जो भी आप बना रहे हो, थोड़ा सा सॉल्ट डाल देंगे ऊपर से। हाँ एक चीज़ और, सॉल्ट हमने बॉयल करते वक्त भी डाला था, यहाँ पेपर डाल रही हूँ मैं हाफ टी स्पून। और थोड़ा सा अगर आप ऑर्गेनो है आपके पास है ना तो आप वो भी डाल सकते हैं, मिक्स हर्ब वगैरह वो भी डाल सकते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हाँ एक और चीज़, अगर वेजिटेबल्स जो भी आपके पास अवेलेबल है वो डालिए, ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने डाली है वही डालें। और सॉसेस जो अवेलेबल हैं वो डाल सकते हैं आप। देखिए इसमें जो भी चीज़, जैसे कोई 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 होते हैं कि लहसुन प्याज वगैरह नहीं खाते हैं तो वो भी स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा पास्ता रेडी है, अब इसको मैं थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स है उसको कट करके उससे गार्निश कर दूँगी। और अगर आप चाहें तो आपके पास चीज़ अवेलेबल है तो उसको भी डाल सकते हैं, उससे और ज़्यादा टेस्टी लगता है पास्ता। अगर आपको मेरी ये पास्ता की रेसिपी अच्छी लगी हो, मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि मैं और भी अच्छी वीडियोस लाऊं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।